नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे एक चिकन शॉप है जहाँ पे हम आए हुए हैं और एक छोटा सा चिकन शॉप है। दोस्तों अभी हम आए हुए हैं बनारस। बनारस में काफ़ी सारे फार्मर के साथ हम मिलकर के उनका वीडियो भी लाए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा जरिया कैसे मिल पाए जिससे हम कि मतलब कम लागत में एक बढ़िया इनकम कर पाएँ, जो कि हर काम हर कोई नहीं कर सकता लेकिन आप मैन पावर लगा करके भी कर सकते हैं। ऐसे एक चिकन शॉप पर आए हैं और ये पहला वीडियो होगा जो चिकन के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको बताएंगे मार्जिन एंड प्रॉफिट कोई चिकन शॉप करना चाहते हैं या कितना एक दिन का बना सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर जा करके भी अच्छा खासा इनकम नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम लागत में घर पे रह करके बढ़िया इनकम कर रहे हैं। पे हमारे भाई साहब हैं जिन्होंने एक छोटा सा चिकन शॉप चला रहे हैं, तो छोटे से चिकन शॉप का मतलब बहुत ही कम लागत में और एक छोटा सा, तो इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये खुद हैंडल कर रहे हैं कैसे। आप चिकन अपना खुद हैंडल करते हैं, अपना शॉप खुद अकेले ही चलाते हैं? ओके, क्या नाम पड़ेगा आपका? रिजवान चिकन शॉप। रिजवान चिकन शॉप, ओके। रिजवान आपका नाम पड़ेगा जी, और रिजवान के नाम से ही आपका चिकन शॉप भी है जी। ओके, पर डे अगर बात की जाए कि कितना आप मुर्गा क्वांटिटी लाते हैं, कितना सेलिंग का आपका हो जाता है एक दिन में? एक दिन में 40 से 50 किलो एवरेज जाता है, 40 से 50 केजी। क्या बात है, अभी आप ब्रॉयलर ही सेल करते हैं? ब्रॉयलर है, रंगीन है, सोनाली है। रंगीन है, सोनाली भी है आपके तरफ? रंगीन सोनाली का भी मार्केट है जी। अच्छा, तो देख रहे हैं कुछ आपके पास रंगीन सोनाली भी रखे हुए हैं, डबल एफजी रखे हुए हैं, इसका क्या रेट लगभग आप सेल कर रहे हैं अभी? रंगीन 180 रुपये केजी सेल हो रहा है। रंगीन और सोनाली है 400 रुपये। रंगीन 180 रुपये केजी कटिंग करके, खड़ा किलो के हिसाब से जी। अच्छा, और सोनाली का? सोनाली 400 रुपये किलो। सोनाली 400 रुपये खड़ा केजी बेच लेते हैं आप जी, क्या बात है। और अभी बात कीजिए ब्रॉयलर का, आपके पास रिटेलिंग प्राइस क्या है? 200 रुपये किलो मीट आप लोग सेल कर रहे हैं जी, जो कि रिटेलिंग में मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया का रेट है ये जी। अच्छा, कुछ प्रोसेसिंग होगा मीट पर, आप कब से चला रहे हैं लगभग ये? हाँ, ऐसी 5-6 साल से। 5-6 साल से मैनेज आप ही कर रहे हैं जी, क्या बात है। तो अकेले ही आप मैनेज करते हैं जी? कितना मुर्गी आप मंगाते हैं एक दिन में? एक दिन ये मंगाते हैं तकरीबन 60-70 किलो। 60-70 किलो मंगाते हैं हाँ। और डेली सेल हो जाता है 60-70 किलो आपका? ओके, तो अभी जो आप मुर्गी मंगाते हैं ये ब्रॉयलर मुर्गी होती है जी, और रंगीन भी मंगाते हैं, तो ब्रॉयलर मुर्गी 60-70 किलो लगभग सेल कर रहे हैं आप, और रंगीन मुर्गी एक दिन में कितना सेल हो रहा है? 30 किलो 25 किलो मतलब पर डे का होता है आपके यहाँ से सेल हो जाता है ये? कम से कम में मतलब सेलिंग हो रहा है? कम से कम। अच्छा, तो बात कीजिए ब्रॉयलर मुर्गियों की, तो आप कहीं से जा करके लाते हैं या आप? नहीं, गाड़ी हमारे यहाँ पहुँचा के आती है। अच्छा, गाड़ी सप्लायर से आप लेते हैं, गाड़ी आपको पहुँचा करके देती है फार्म? अच्छा, एक बार थोड़ा सा एड्रेस बताना चाहें, किस लोकेशन पे आपका शॉप है? ये काजी सदुल्लापुरा, छबी महल के बगल में। छबी महल के बगल में बनारस, मेन सिटी बनारस ले सकते हैं। ओके, तो बात किया जाए कि आपको क्या रेट पड़ जाता है पहुंचा करके, मुर्गी की बात किया जाए? यहाँ पहुंचा करके इस टाइम चल रहा है 96 रुपये, हम लोग को 100 रुपये पड़ जाता है। 96 से 100 रुपये केजी आपको पड़ रहा है? 100 रुपये पड़ जा रहा है। 100 रुपये पड़ जा रहा है पहुंचा करके? पहुंचा करके, ये थी केजी के हिसाब से जी। और केजी सेल क्या हो रहा है आपका? 200 रुपये किलोमीटर बिक रहा है। खड़ा मुर्गा 150 रुपये केजी बिक रहा है। 150 रुपये खड़ा बिक रहा है, 200 रुपये किलोमीटर 200 रुपये थी किलो बिक रहा है। तो खड़ा मुर्गे की बात की जाए तो उस पर आपको 50 रुपये लगभग प्रॉफिट बन जाता है खड़ा में, और कटिंग करके अगर आप लोग सेल करते हैं तो कितना बच जाता है पर केजी? 50 रुपये, उसमें भी 50 रुपया। अच्छा, तो यानी आप कटिंग करके सेल करिए या खड़ा सेल कीजिए, आपको 50 रुपया पर केजी पे मतलब बच जाता है। दिन का अगर बात कीजिए तो कितना, आपने बताया 40 से 50 केजी सेल हो जाता है, तो पर केजी पे आपका आराम से, अगर बात कीजिए इसके चालू होने का, तो कब से लेकर के कब तक चलाते हैं इसको आप? 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे। सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक चलाते हैं, यानी टोटली 12 घंटा आप इस पे लगे रहते हैं अकेले। इसको चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है? एक आदमी हैंडल कर सकता है जी? आराम से दिन भर में 50 किलो बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है? कोई दिक्कत नहीं आता। लागत की अगर बात की जाए तो कितने लागत से आपने शुरू किया था? लागत उसके हफ्ते में हिसाब होता है, मुर्गा उतार के चला गया एक हफ्ते में हिसाब होता है। ओके ओके ओके, अरे अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहे तो आपकी तरह एक जाली बनवा सकता है? 10,000 रुपये जाली का रख लीजिए, जिसमें आप मुर्गा होल्ड कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद से तराजू और एक कटिंग वाला जो होता है, जिसमें का मिल गया 5,500 रुपये का, 5,500 रुपये का मिलता है। ओके, और आपका एक ठेहा हो गया, चक्कू हो गया, इसी से आपका दुकान चालू हो गया और पर डे का एक अच्छी खासी इनकम आपको आ जाती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक छोटे से चिकन शॉप से भी आप एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, पर केजी 50 रुपये रखा जाए और पर डे का अगर 50 किलो भी एवरेज सेल कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इतना तो स्मार्ट हैं
कि आप कैलकुलेटर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना एक कमाई हो सकती है। चिकन शॉप कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों की शर्माती करने में, तो आप एक मैन पावर रख करके भी करते हैं, 300 रुपया उसका पर डे का अगर दिहाड़ी भी देते हैं फिर भी एक अच्छी खासी इनकम आपको आती है। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि चिकन शॉप वाले भी कितना इनकम करें। एक छोटे से हम चिकन शॉप पे आए हैं, बिल्कुल आपका लो कॉस्ट में तैयार हुआ, कोई इसका आपको ऊपर दिखा देंगे तो पूरा तिरपाल गिरा हुआ है, ये कोई हाई फाई बनाना हुआ नहीं है। तो सोचा कि थोड़ा सा ऐसे जानकारी लेने चलते हुए हमें कि क्या इनका प्रोसेसिंग होता है, कैसे ये थोड़ा सा सेलिंग होता है, इसके विषय में बात कर लें। तो आप ही के लिए था कि कोई अगर देख रहे हैं भाई, कोई ये स्टार्टिंग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मकसद मेरा ये रहता है कि आप, बहुत सारा तरीका है पैसे कमाने का, बताते आप कितना तक सोचते हैं उसको। हर छोटे छोटे काम से आप अगर अच्छे कर रहे हैं तो अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। इसी के पर्पज़ से हम वीडियो बनाए कि ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा लागत में ही बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, बहुत ही कम लागत में भी आप अच्छा एक प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।